सो ए व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं एपीआई गेटवे क्विक स्टार्ट का। तो पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लेंगे, यूजर नेम लिखा गया एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड को पेस्ट करना, एंटर दबा देना। सो ये हमारा कॉन्सोल जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बैक आना है, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करो, एंड यहाँ पे जो है हमें एक टास्क को जो है परफॉर्म करना है, तो वो हम फटाफट कर लेते हैं। ये सब आपको रन करने की जरूरत नहीं है, सीधे इधर आना है, एपीआई सर्विसेज में जाना है, देन लाइब्रेरी में जाना है, देन एपीआई गेट में सर्च करना है, ठीक है। सो इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आएंगे, इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे, एंड इधर एपीआई लिख देना अगेन, एंड एपीआई गेट वे एपीआई करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको कैपिटल में लिखना, ठीक है, एपीआई गेट वे एपीआई। सो यहाँ पे आपको नीचे जो है मार्केट प्लेस दिख रही होगी, स्क्रोल करके इसको ओपन कर लेना, ये हमने ओपन कर लिया है, इसको जो है हमें अनेबल कर देना है, ये हमने अनेबल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इधर से अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लो, ये मैंने एक्टिवेट कर लिया है, एंड अगेन जो है बैक आओ, नीचे स्क्रॉल करो, ये सब आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी करो सीधे, अगेन इधर आओ, कंटिन्यू पे क्लिक करो, एंड इसे ओपन हो जाने दो, ये हमारा अनेबल हो चुका है। अब इसकी साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ। सो हमारा कॉन्सोल ओपन चुका है, पेस्ट करेंगे, पहली कमांड को एंटर दबा देंगे, अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को हमें कॉपी करना है, अगेन जो है हम इधर आएंगे, एंड इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो, इसको पेस्ट करना, एंटर दबाना, अगेन बैक आना, एंड इस वाली कमांड को कॉपी करना, एंड अगेन बैक आना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना। सो ये काम जो है डन हो चुका है, इधर ऑथोराइज कर देना अगर आए तो, अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल कर लेना, एंड वेट करना इसके एग्जीक्यूट होने का, ठीक है। सो ये जो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हम बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड अगर आपके ऊपर एरर आए तो प्लीज़ इस कमांड को जो भी हमने रन करी थी उसको एक बार रन कर लेना, ठीक है। टास्क टू पे चलते हैं, इस कमांड को कॉपी करेंगे, एंड इधर आएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन बैक आएंगे, एंड इस कमांड को जो है हमें कॉपी कर लेना है, एंड अगर आपके इधर कुछ और लिखा हो, ठीक है, तो उसको रिमूव करके इस वाली, जैसे इस वाले को पेस्ट कर देना, ठीक है, उसकी जगह पे। सो ये मैंने कॉपी कर लिया है अब इसे, एंड इधर आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। सो ये हमारा काम जो है डन हो गया, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, एंड एक सेकेंड, ये तो यूआरएल है ना, ओके, ठीक है, अब हमें जो इसे पेस्ट कर देना, एंटर दबा देना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना कर दो, काम हो जाएगा। चेक में प्रोसेस पे क्लिक करना, ये वाला जो टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगेन चेक में प्रोसेस पे क्लिक कर दो, अपडेट होने में टाइम लेता है, एंड इसको जो है आप एक बार नए पेज पे जाओ, पेस्ट कर दो, एंटर दबा दो। सो ये जो है कुछ ऐसा आ जाएगा, बट आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन बैक आना, चेक में प्रोसेस पे क्लिक कर देना, ये हो गया टास्क हमारा कंप्लीट। अब क्या करो, जो हमने पेस्ट करी थी इस कमांड को रिमूव कर देना इधर से, एंड अगेन बैक आओ, नीचे स्क्रॉल करो, हमें जो है इसको कॉपी करना है, कॉपी करनी है, इसको इधर आके पेस्ट कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में जाना है मेरे, वहाँ पे जाके आपको इस लैब का नेम पेस्ट करना है, तो वहाँ से आपको एक फाइल मिलेगी, वो आप डाउनलोड कर लेना। अब जो जो मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। इधर आएंगे, इधर इस पर क्लिक करना, मोर पे, इधर अपलोड पे क्लिक करना, एंड चूज फाइल पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे जो है हम डाउनलोड्स में चले जाते हैं, ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी वहाँ से, इसको ओपन कर लेना इसमें, एंड अपलोड पे क्लिक कर लेना, ठीक है। सो ये अपलोड हो जाएगी एक बार फटाफट। तो अब आपको क्या करना है, बैक आना है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब स्किप कर दो, सीधे इधर आओ, इस वाली कमांड को जो है आपको कॉपी कर लेना है, एंड इधर आना है, एंड इसको यहाँ पे जो है पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, अगेन जो है बैक आएंगे, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे, एंड इसको जो है यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, बैक आने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हमें एपीआई गेटवे पे जाना है, तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, अगेन इधर आना, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना, एंड यहाँ पे जो एपीआई गेटवे दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसकी मैं साइज डिक्रीज कर देता हूँ अब। सो ये जो है ओपन हो रहा है एपीआई गेटवे, तो इसे ओपन हो जाने दो, या ये हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट गेटवे करना है, एपीआई सेक्शन में जाके हमें जो है क्रिएट न्यू एपीआई पे क्लिक करना है, नेम करना है इसका हेलो वर्ल्ड एपीआई को, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आएंगे, क्रिएट गेटवे करने के बाद क्रिएट न्यू एपीआई सिलेक्टेड है, नेम की जगह पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अगेन बैक आना है, इस कमांड को हमें कॉपी करना है, इधर आएंगे, साइज में इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, एंड इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देना, एंटर दबा देना। यहाँ पे आपको जो है आपकी एपीआई गेटवे मिल जाएगी, तो इसको जो है यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, अब इसको आपको जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इसकी साइज में अगेन डिक्रीज कर देता हूँ, अगेन जो है मैं इधर आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, क्रिएट ए न्यू कॉन्फिग पे क्लिक करना है, एंड आपको वहाँ पे ये चीज़ अपलोड करनी है, ठीक है। सो ये जो है हमारा, इधर नीचे आ जाता हूँ, एंड एक सेकेंड, ये मैं नीचे आ गया, इधर हमने जो फाइल अभी डाउनलोड करी थी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो ये मैंने जो है यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले नेम में आपको जो नेम दिया रहेगा वो हमें पेस्ट करना है।
सो मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ एंड रन द क्लाउड शेल, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आएंगे एंड इधर आने के बाद जो है आपको क्या करना है, एक मिनट, सो नेम की जगह पे हमें क्या करना है, तो नेम की जगह पे हम इधर आएंगे एंड हमें जो है इस वाली चीज़ को कॉपी कर लेना है, ये मैंने जो है कॉपी कर लिया, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, इधर आएंगे इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना, ये हमारा काम डन हो गया। अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल करना, सिलेक्ट सर्विस अकाउंट और कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट हमें सिलेक्ट करना है इधर, ठीक है, तो इस पर आता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करा एंड इधर से आपको जो है कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इन गेटवे डिटेल्स एंटर हेलो गेटवे, उसका नेम डालना है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अगेन इधर आएंगे एंड इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, नीचे स्क्रॉल करूँगा, लोकेशन जो है मेरी US सेंट्रल 1F है, ठीक है, सो US सेंट्रल 1, ये मैंने जो है इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एंड यही इधर भी दिया हुआ है US सेंट्रल 1, ठीक है, आप भी अपनी अपन को जो आपको दी गई होगी इधर आप वो पेस्ट करना, ठीक है। एंड अब नॉर्मली हमें जो है गेटवे को क्रिएट कर लेना है, क्रिएट गेटवे पे क्लिक कर दोगे, अब ये क्रिएट होने में मिनिमम 10 से 20 मिनट्स लेगा, तो इसे हो जाने देना एंड जब तक ये लोड हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा हो गया डन, तो इस पर क्लिक करोगे तो इस पर देखो अभी ये क्रिएट हो रहा है, जब तक इधर ग्रीन टिक ना लगे इसे हो जाने देना, ठीक है, जैसे होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। हमारा गेटवे क्रिएट हो चुका है, इधर देखो ग्रीन टिक लग चुका है, अब आपको क्या करना है, नॉर्मली इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, ये हमने रिफ्रेश कर लिया है, नीचे स्क्रोल करेंगे एंड चेक में प्रोस पे क्लिक करोगे तो टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। नीचे स्क्रोल करना, अब आपको इसको कॉपी कर लेना है एंड इधर आना है, इसको यहाँ पे जो है पेस्ट करना है, एंटर दबाना, अगेन जो है बैक आना, इस कमांड को कॉपी करना, अगेन इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबाना, अगेन जो है बैक आना, नीचे स्क्रॉल करना एंड इस कमांड को कॉपी करना, इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना, डन हो चुका है। अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे, एपीआई सर्विसेज में जाना है, देन क्रेडेंशियल्स में जाना है, तो इसको आप सीधे कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद जो है हम इधर आ जाएंगे, इसको जो है यहीं पे पेस्ट कर देना एंड ये एपीआई एंड सर्विसेज पे हम चले जाएंगे। देन इधर आपको क्रेडेंशियल दिख रहा है, इसको क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देना एंड इधर से क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे, एपीआई की पे क्लिक करेंगे। सो यार इसे लोड हो जाने देना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब आपको इसको ओपन नहीं देना है, बैक आना है, चेक में बॉक्स पे क्लिक करना है, यारा जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस वाली कमांड को कॉपी करना है, इसको जो है नोटपैड में पेस्ट कर दो, अगेन अपने सेकंड वाले टैब पे जाओ, इसको यहाँ से कॉपी करना, ये जो है देख के कॉपी कर लो एक बार अच्छे से, इधर आओ एंड इसकी जगह पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो ये जो है मैंने पेस्ट कर दिया, देखना स्पेसिंग ना आ जाए कहीं पे भी, इसको कट करो यहाँ से एंड इसको क्लोज करो, इसको पेस्ट करो, एंटर दबा दो, ये हमारा काम डन। अगेन बैक आओ, नीचे स्क्रॉल करो, इस वाली कमांड को कॉपी करो, इधर आओ, पेस्ट करो, एंटर दबाओ, अगेन बैक आओ, नीचे स्क्रॉल करो, इसको जो है हमें कॉपी करना है एंड इधर आना है, इसको जो है पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, अगेन इधर आना, इस वाली कमांड को जो है आपको कॉपी कर लेना है एंड इधर आना है, NANO लिखना, सब स्मॉल में लिखना, ठीक है, NANO लिखना एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर दबा देना, अगेन बैक आना एंड अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल करना, इस वाली कमांड को कॉपी करना, अगेन इधर आना, पेस्ट करना, कंट्रोल एक्स, नॉर्मल वाई एंड एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। सो ये डन हो चुका है, अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस वाली कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं एंड इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन बैक आएंगे, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, इधर डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है, अगेन इधर आना, नीचे स्क्रॉल करना एंड इसको जो है इसी नाम से सेव करना, ठीक है, एंड याद रखना API 2 लिखा है इधर, API 2 फंक्शंस 2, ठीक है, इसको सेव कर लेना एंड अगेन इधर आना। अब हमें जो है नेविगेट करना है API गेटवे के ऊपर, तो इधर मैं चले जाता हूँ, API गेटवे को कॉपी करता हूँ, इधर आ जाएंगे, इधर API गेटवे पे चले जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सॉरी गलती से गलत चीज़ पेस्ट हो गई, अगेन जो इधर आना, नेम को अच्छे से कॉपी कर लो एक बार, इधर आओ, पेस्ट करो एंड इधर से API गेट पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, इसकी साइज़ मैं अब डिक्रीज कर देता हूँ एंड इधर से जो है ये हेलो वर्ल्ड API दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना, ये हेलो वर्ल्ड API दिख रही है, हमें क्लिक कर दिया, देन हमें एडिट करना है, देन इधर आ जाएंगे, ये ओपन करने का था, हमें गेटवे पे क्लिक करना है, गेटवे पे क्लिक करने के बाद जो है अगेन हमें ये हेलो गेटवे पे क्लिक करना है एंड इधर एडिट पे आपको क्लिक कर देना है, अगेन जो है हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद जो है हमें क्रिएट अ न्यू API कॉन्फिग पे क्लिक करना है, जो फाइल हमने डाउनलोड की थी वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना, क्रिएट अ न्यू कॉन्फिग API पे क्लिक करना, अब ब्राउज करना एंड अभी जो हमने लेटेस्ट में एक फाइल डाउनलोड करी थी ना, मैंने आपको बोला था फंक्शन 2 दोनों तरफ लिखा है, इसको कॉपी करना एंड अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है, अगेन जो है हमें बैक जाना है,
नेम की जगह पे हमें क्या करना है, तो नेम की जगह पे ये वाले इस पे नाम होगा। अब इधर आएंगे, इधर आने का डिस्प्ले नेम पे इसको पेस्ट कर देना, नीचे स्क्रॉल करना, इस पर क्लिक करना एंड क्विक स्लैब यूजर सर्विस अकाउंट पे क्लिक करना एंड नॉर्मली हमें जस्ट अब अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये हमने अपडेट पे क्लिक कर दिया है, हमारा काम जो है ये डन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये जो है कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको हो जाने दो, एक बार कम्प्लीटली डन, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि अभी अपडेट हो रहा है एंड इसके बाद हमें लेवल जो है खत्म हो जाएगी एंड आपकी लैब जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो वेट करो इसके कंप्लीट होने का। सो यार ये जो है ये ग्रीन टिक लग चुका है फाइनली, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम बैक जाएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो टास्क है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। टास्क 6 पे चलते हैं, तो अगेन हमें जो है इस कमांड को कॉपी कर लेना है, इधर आना है, इधर आके जो है हमें इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। अगेन जो है हम बैक जाएंगे, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे, अगेन जो है हम इधर आएंगे एंड इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अगेन चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना, अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो अभी देखो वेट करो, अभी इधर जनरेट हो रहा है एंड ये हो चुका है। अभी एक बार चेक माय प्रोग्रेस पे अगेन क्लिक करना, अपडेट होने में बेसिकली टाइम लगाएगा ही लगाएगा। तो आई होप अच्छी लगेगी वीडियो को, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।